नमस्कार, स्वागत है आपका होराइजन इन दावेदार में। दावेदार हमारा ऐसा शो है जिसमें हम आपको मिलवाते हैं योग्य लोगों से, योग्य चेहरों से, जो नगर निगम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। नगर निगम चुनाव ऑलमोस्ट सर पर है, हर तरफ उसका माहौल क्रिएट हो चुका है और जनता और नेता सब अपनी अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। आज हमारे साथ है वार्ड 72 से अशोक राठी जी। अशोक राठी कोई छुपा हुआ चेहरा नहीं है। 2006 में 6 से लगभग 10 तक है ना, 2006 से 10 तक राठी जी पार्षद रहे हैं और बहुत डायनामिसिटी से काम किया है। उसके बाद उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा और कई वर्षों से फिर भी निर्बाध रूप से वार्ड की सेवा करते आ रहे हैं। इस बार उनका फिर मानस बना है तो हमने सोचा राठी जी का विजन और उनकी टेक्निक से वैसे तो लोग वाकिफ ही हैं, हम चाहेंगे कि राठी जी का एक बार पुनः इंट्रोडक्शन करवा दें। राठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका होराइजन इंटरव्यू। सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से मुझे जो आज यह अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही मैं शहर के सभी को नमन करता हूँ। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर विजयलक्ष्मी के उपलक्ष्य में मैं सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। राठी जी, आप थोड़ा अपनी पृष्ठभूमि, वैसे तो आपको सब जानते हैं, फिर भी मैं चाहूँगा, हमारे यहाँ परंपरा है कि मतलब जो आते हैं जो भी, वो अपने बारे में बताते हैं। आप अपना काम, आप क्या करते हैं व्यावसायिक तौर पर, आपकी पृष्ठभूमि आप थोड़ा लोगों को ब्रीफ करें। मेरा नाम अशोक राठी है। मैं कपड़े का व्यवसाय करता हूँ, होलसेल का मेरा कपड़े का व्यवसाय है। साथ ही सामाजिक सेवा के अंदर मैं अग्रसर रहता हूँ। सामाजिक क्षेत्र से मेरा तात्पर्य समाज के अंदर सर्वप्रथम तीन चीज होती है मनुष्य के जीवन में, समाज, समाज के बाद में फिर देश, राजनीति। तो सर्वप्रथम परिवार को सुचारू रूप से चलाते हुए, घर का व्यापार करते हुए, सबको समृद्ध रखते हुए मैं सामाजिक क्षेत्र में मेरी रुचि रही है शुरू से। मुझे सामाजिक क्षेत्र में करीबन आज 40 वर्षों का अनुभव है। मैं माहेश्वरी समाज से बिलोंग करता हूँ। मैं माहेश्वरी समाज में कई पदों पर रहा हूँ, जैसे माहेश्वरी समाज के अजमेर के वर्तमान के अंदर मैं सेक्रेटरी हूँ। उसके पहले मैं राजस्थान प्रदेश, जिला, ऑल इंडिया स्तर पर भी मैंने माहेश्वरी समाज का खूब कार्य किया है और सामाजिक कार्यों के अंदर मैं अग्रणी रहा हूँ। मैं हिमालय परिवार संघ की एक शाखा है, शाखा कह लीजिए, जैसे विश्व हिंदू परिषद इस तरह की होती है, तो हिमालय परिवार एक संगठन है, जिला अजमेर जिले का अध्यक्ष हूँ। हाँ जी, प्लस वैश्य समाज, अजमेर का जो वैश्य समाज है उसके अंदर मैं वर्तमान में पिछले 2 सत्र से मीडिया का काम देखता हूँ। प्रचार मंत्री का दायित्व तो मेरे पास में है। मैं अनेक सामाजिक व और संगठनों से भी जुड़ा हुआ हूँ, जैसे अजमेर में जनाना के पास में एक वेलफेयर सोसाइटी है, श्री वाटिका वेलफेयर सोसाइटी, मुख्यमंत्री जन योजना के अंतर्गत उसका मैं वर्तमान में चेयरमैन हूँ। और कृष्णगंज जहाँ मेरा निवास स्थान है वहाँ कृष्णगंज से मैं, कृष्णगंज सेवा समिति है, कृष्णगंज विकास समिति है, उसका मैं उपाध्यक्ष हूँ। वह कृष्णगंज नांदेश्वर महादेव मंदिर जो मेन रोड पे मंदिर है जी, उसके संचालनकर्ता के अंदर, मेरे संचालन कमेटी के अंदर विशेष आमंत्रित सदस्य भी हूँ। कुल मिला के मुझे सामाजिक क्षेत्र में काम करने में बड़ी रुचि रहती है। लोगों के दुख दर्द में मैं काम आऊँ ऐसी मेरी भावना रहती है और उसके अनुरूप मैं कार्य करूँ। और लोगों का भी रुझान रहता है कि कोई भी कार्य हो इस तरह का तो मुझे आमंत्रित करते हैं। मैं, मेरा जितना सहयोग होता है उतना उसके अंदर मैं पूर्ण रूप से सहयोग करता हूँ। यह सहयोग करते करते मैं पूर्व में 1985 के अंदर अहमदाबाद रहता था, लेकिन यहीं पढ़ा हूँ, भला हूँ, मैंने बिजनेस फिर 85 के अंदर वहाँ करा। मैं 5 साल वहाँ रहा, उसके बाद में वापस, कुछ पिताजी यहाँ अकेले रहते थे तो मुझे वापस अहमदाबाद से अजमेर आना पड़ा। तो कृष्णगंज के अंदर 1980 के अंदर हमारे मकान का नांगल हुआ। पहले मैं शहरी परकोटे में रहते थे, उसके बाद में हम यहाँ रहना चालू हुआ। तब से मैं वार्ड वासियों से बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ और क्षेत्र के अंदर जो भी समस्याएं होती है उसके अंदर अग्रसर रहा। मैं भाजपा के अंदर
वहाँ जब अहमदाबाद भी था तो साबरमती क्षेत्र से मैं भाजपा के अंदर सक्रिय सदस्य था। शंकर सिंह जी वाघेला उस समय हुआ करते थे, उन्होंने चेयरमैन का चुनाव लड़ा था म्यूनसिपल्टी का बीजेपी से और अहमदाबाद का, तो भी मैं उनके साथ कार्यकर में सक्रिय रहा। उसके बाद में कई पदों पर वो चले गए, मैं अजमेर आ गया, अजमेर भी मुझे वो रुचि रही और मुझे पार्टी ने अवसर दिया अनेक पदों पर काम करने के लिए। मैं जब युवा था तो युवा संगठन के अंदर लील कृष्ण जी पारिक अध्यक्ष हुआ करते थे, शहर अध्यक्ष, उनके साथ भी मैंने मंत्री के रूप में युवा मोर्चा के अंदर मंत्री के रूप में काम किया। उसके बाद में संपत जी साखला आए, उनके साथ भी काम किया। युवाओं के बाद में फिर मुझे मौका दिया गया वार्ड 26 से पार्षद लड़ने का। मैं शंकर नारायण जी गुरु के सामने चुनाव लड़ा। वो ऐसी शख्सियत थी कोई भी चुनाव लड़ने से इनकार कर देता था। मैंने उनके सामने चुनाव लड़ा और कुछ ही मतों से मैं पराजित हो गया। उसके बाद में कब की बात है, ये हो गई सब 2006 के पहले की, 2006 से पहले। हाँ जी, नगर परिषद हुआ करती, नगर परिषद हुआ करती थी उस जमाने से, उस जमाने से मैं जुड़ा हूँ। तो तब भी आपने चुनाव लड़ा है? तब भी मैंने चुनाव, तब मतलब परिषद का भी एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस निगम का, निगम का भी एक्सपीरियंस है। निगम मेरे कार्यकाल में ही निगम बना और धर्मेंद्र जी गहलोत पहले बार महापौर बने, मतलब सभापति तो थे ही। वसुंधरा जी ने नगर निगम घोषित किया अजमेर को, उस समय वो महापौर बने और हम भी उस कार्यकाल के प्रथम नगर निगम के पार्षद रहे। फिर हमने उपचुनाव लड़ा, शंकर नारायण जी का देहसान हो गया अकस्मात, तो पार्टी ने फिर दोबारा मुझे मौका दिया और मैंने उपचुनाव के अंदर हासिल की। और मेरा कार्यकाल उस समय 2 या 2.5 साल रहा मुश्किल से। उस 2.5 साल के कार्यकाल के अंदर मैं पब्लिक के बीच में रहा, सेवा करी, सुबह 6 बजे उठ के उनके बीच में जाता था। यहाँ तक कि मैं मेरी खुद की बड़ाई नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरा जो दिनचर्या रही उसके बारे में भी बताना जरूरी है। और यह बात वार्डवासी सभी अभी तक जानते हैं, उनके स्मरण में, उनके ध्यान में, बिल्कुल जेहन में है ये बात कि किस तरह की इनका कार्यशैली रही कार्य करने की। सुबह 6 बजे उठना, वार्ड में करीब करीब सारी गलियों में वार्ड में पैदल घूमना, नो गाड़ी नो कुछ, पैदल घूमना, परस्पर सबसे संपर्क करना। यहाँ तक कि जमादार को लेके मैं खुद कहीं समस्या होती थी तो नाली साफ करवाने को मैं खुद खड़ा रहता था। शुरू में मुझे काफ़ी बदबू आती थी कि इस तरह गंदगी के अंदर खड़ा रहते एकदम यूंग होता था, लेकिन फिर अभ्यस्त मुझे उस गंदगी का भी मज़ा आने लगा, मतलब उसको साफ कराने में, खड़े होने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती थी। आज भी मुझे वो ध्यान है, मैं बिल्कुल सक्रिय रहता हूँ वार्ड के अंदर और कहीं भी कोई नहीं है। सभी वार्डवासी मुझे आज भी उतना ही प्यार और प्रेम देते हैं जितना पूर्व के अंदर देते थे। वार्डवासियों का कहना ये हुआ, जब वार्ड सबसे पहले 25 हुआ करता था, उसके बाद में वार्ड 26 हुआ, 26 के अंदर मैं पार्षद रहा, उसके बाद में वार्ड 54 हुआ। पिछली बार OBC की सीट आने से वार्ड की मैं कोई प्रतिस्पर्धा से आउट हो गया था। अब के प्रभु ने वापस मौका दिया है, मेरे वार्ड का 54 का 3 भाग हुए हैं, वार्ड 67 जनरल महिला है, वार्ड 72 जनरल पुरुष है और वार्ड 73 भी जनरल महिला है। तो वार्ड 72 से मैंने सोचा, सभी का फ़ोन आ रहे थे, सभी लोग बाकायदा मेरे पास आ रहे थे, लाठी जी इस बार आप चुनाव लड़िए, नहीं विचार होते हुए भी उन सब का ध्यान आते हुए जो सेवाएं दी है मैंने और उन लोगों ने मुझे स्मरण कराया कि आपने जो सेवाएँ दी है इसके अनुरूप आप चुनाव लड़िए, अपनी दावेदारी करिए। मैंने कहा जी यह कार्य पार्टी का है, वो जहाँ से भी मुझे अवसर देगी मैं अवश्य लड़ूंगा, नहीं देगी कोई बात नहीं, मैं सेवाएं तत्पर करता रहूंगा और करता हूं। मैंने अभी पार्षद नहीं रहते हुए भी वार्ड के अंदर करीबन 40 लाख से ऊपर के कार्य करवाए हैं, कंक्रीट काम जिनको कहना चाहिए वो मैंने करवाए हैं पब्लिक के लिए। जैसे आनंद नगर क्षेत्र हमारा आता है, आनंद नगर के अंदर 6 गलियाँ आती है, उनकी सबकी डामरीकरण करवाई। उसके बाद में हिम्मत नगर आता है क्षेत्र, हिम्मत नगर के अंदर मीरा स्कूल से लेकर पहाड़ी तक बिरदा जी का मकान आता है, सीढ़ियाँ आती है, वहाँ पे कच्ची बस्ती आती है, वहाँ काफ़ी रोड क्षतिग्रस्त था, वहाँ मैंने करवाया। प्लस शांतिपुरा के अंदर मेरे कार्यकाल के अंदर नाला बना था, उस नाले के पास में गरीब बस्ती और ये जिनको कहते हैं मेरवा समाज गधे वाले, वो काफ़ी बस्ती रहती है, उनकी रोड कच्ची थी पिछले 10 साल से, मैं पार्षद था उस समय भी कच्ची थी, अभी भी कच्ची थी। मैंने इस कार्यकाल के अंदर उस रोड को CC रोड करवाया, सीमेंटेड कंक्रीट करवाई और उसको कंप्लीट करवाई। कृष्णगंज जहाँ मेरा निवास स्थान है, शिवाजी पार्क है,
शिवाजी पार्क के सामने चार गलियां जाती हैं, उन चारों गलियों को डामरीकरण करवाया। सावित्री चौराहे से ऊपर हम चढ़ते हैं आयुर्वेदिक भवन की तरफ, तो सामने ही कॉलोनी आती है, उसके अंदर मैंने उस कॉलोनी के अंदर पूरा सीसी रोड डामरीकरण करवाया, अशोक मार्ग के अंदर साइड की पूरी सीसीकरण कराया। मतलब ये सारा काम आपने पार्षद नहीं रहते हुए? पार्षद नहीं रहते हुए भी मैंने। कौन से एडीए से? एडी अभी ये पीरियड रहा, अभी मुश्किल से 2 साल हुए। आपका अभी भी पार्टी से जुड़ाव है? मेरा पार्टी से जुड़ाव है अभी भी पार्टी के अंदर। अभी मैं पूर्व में शहर जिला मंत्री था, उसका दायित्व दिया। अभी हाडा जी के आने के बाद में, डॉक्टर पीएसएल जी हाडा के आने के बाद में यह मुझे कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। तो अभी वर्तमान में मैं भाजपा के अंदर कार्यकारिणी सदस्य हूँ, और इसी तरह अनेक पदों के अंदर रहते हुए पिछली बार मैं व्यापार प्रकोष्ठ का भी मंत्री रहा हुआ हूँ। मतलब सामाजिक, जिस तरह सामाजिक दायित्व मुझे थे, उसी तरह राजनीतिक दायित्व भी। मोटा मुझे बताइए राठी जी, हाँ जी, कितने साल हो गए आपको सामाजिक जीवन में? मुझे सामाजिक जीवन के अंदर 25 से 30 साल ऊपर हो गए, 30 साल का अनुभव है आपकी। मेरी सर 55, हाँ जी, 55 साल की आयु है और लगभग 30 साल आपको? 30 साल मुझे पार्टी के अंदर और सामाजिक क्षेत्र में समर्पित हो गए। समाज का हर वर्ग, अजमेर शहर ही नहीं बल्कि जिला, राजस्थान, प्रदेश और ऑल इंडिया में मुझे लोग व्यक्तिगत अशोक राठी के नाम से जानते हैं। अखिल भारत, उसके अंदर मैं 4 टर्म कार्यकारिणी में रहा, उसमें ऑल इंडिया से 51 सदस्य लेते थे कार्यकारिणी में। उस समय भी मेरी सहभागिता उसमें थी, लोगों में थी, 51 लोगों में थी ऑल इंडिया के अंदर। उसके बाद में 71 हुए, 101 हुए, जिस तरह संस्थाओं के और शाखाएं बढ़ती गई। हमारी उस संस्था की शाखाएं कम से कम 10 जगह शाखाएं हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, फिर ये सभी जगह। 10 साल जो आप निगम, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि 10 साल जो निगम से सपोज आपका नाता अप्रत्यक्ष रूप से रहा, मतलब पार्षद नहीं रहे लेकिन आप निगम में रेगुलर आते जाते रहे, लोगों के काम कराते रहे और लोगों से जुड़े रहे। आपने नगर परिषद देखा है, अब नगर निगम देख रहे हैं, आप बता रहे हैं उससे पहले भी देखा है आपने, तो आपको, आपसे ये थोड़ा एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि परिषद में और निगम की कार्यशैली में क्या कोई बहुत रेडिकल चेंज है, या आज भी लोग, मतलब ऑनेस्टली लोग नरक निगम कह के बुलाते हैं, बुलाते थे उस जमाने में, है ना, आज नरक परिषद बुलाते हैं, बराबर है, जो भी है, है ना। तो आपको ये जो रेडिकल चेंज आया, स्ट्रक्चरल चेंज आया, उसमें आपको कोई फर्क लगा, आपके एक्सपीरियंस वाइज? ऐसा कोई मुझे विशेष फर्क नजर नहीं आता है। ठीक है, निगम के हिसाब से, निगम बनने से क्या निगम, काम इजी हो गए लोगों के? निगम बनाने से जो है महापौर के अधिकार, उनकी कार्यशैली में थोड़ा बदलाव आया, उनके क्षेत्राधिकार का उन्होंने प्रयोग किया, उनकी वित्तीय जो उनकी थी सीमाएं वो बढ़ी, जिससे वो कार्य कराने में सक्षम हुए। पार्षदों की भी सीमाएं बढ़ी, पहले 10 लाख के वार्ड के अंदर काम देते थे हमारे, मतलब वो तो मैं समझ रहा हूँ, परिषद से निगम में जब आप प्रमोट हुई, कोई ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी या कोई प्रशासनिक संस्था का कद बढ़ा है ना, बजट बढ़ा, मतलब पैराफेरी बढ़ा, बस वो कार्यशैली, परिषद और निगम की जो कार्यशैली है उसमें कोई खास चेंज आपको लगा? ऐसा कुछ नहीं, रूटीन के काम थे सारे काम के, वही हो रहे हैं, ऐसा कोई मुझे कोई नया परिवर्तन या बदलाव नज़र नहीं आया। लोगों की समस्याएं आज भी रहती है, मैं आज भी उनके साथ में, नगर निगम का कोई काम होता है, जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, या शादी का व्यवसायिक हो, कुछ भी हो, शादी के लिए वो सर्टिफिकेट हो, मैरिज सर्टिफिकेट, इन सब कामों के लिए मैं तत्पर रहता हूँ। किसी का नक्शा भी अगर पास कराना हो तो मैं भी उनके साथ गया हूँ, रिकमेंड करिए, ऑफिसर से मिले हैं, जिस संबंधित विभाग से हमने मिले हैं, मतलब आज भी मैं उसमें तत्पर रहता हूँ। यहाँ तक कि एडीए से संबंधित भी कोई समस्या होती है तो मैं उनके साथ एडीए भी जाता हूँ और उनकी समस्याओं का निवारण करने की पूरी चेष्टा करता हूँ। कोशिश पूरी रहती है मेरी कि जन समस्याओं से मैं लगातार संपर्क में रहूँ। आज क्षेत्र के अंदर लाइटें बंद है या सफाई व्यवस्था है तो संबंधित इंस्पेक्टर को, जमादार को या स्वास्थ्य अधिकारी को फ़ोन करके उन समस्याओं का निवारण की कोशिश करता हूँ कि वो हो जाए। लाइटों की है तो लाइट का जो ठेकेदार है, वहाँ जो AEN है, उनको भी मैं फ़ोन करके वो समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता हूँ।
पार्षद कार्यकाल में एक ही जन समस्याएं लोगों की रहती है, लाइट पानी बिजली सफाई और मेरी रोड मेरी सफाई, और उनके जो आता है व्यक्ति उनके अटेस्टेड साइन करना या उनकी समस्याएं, वो मैं पहले भी करता था, उस टाइम भी मैं मेरे जेब के अंदर सील रखता था रबर स्टैंप, और अगर मैं घर नहीं होता था कहीं कोई पेपर दे गया तो मुझे उसका एड्रेस ध्यान है तो मैं उधर जाता हुआ उसके घर पहुँचा देता था। मैंने कहा भैया ये ले, तू दोबारा मेरे यहाँ मत आ, इस काम के लिए मत आ, और कोई सी काम के लिए मेरे पास आ। तो उससे मेरा व्यक्तिगत लोगों से जुड़ा हुआ, मेरी भावना ये रहती थी कि जो कागज मेरे यहाँ पे दे गया है मैं उस व्यक्ति से पर्सनल मिलूँ, उससे मिलने से मुझे उसकी भावनाएं नज़र आएगी, उसकी क्या समस्याएं हैं वो नज़र आएगी, तो मैं उससे ज़मीनी जुड़ना चाहता था। और मैं उनसे ज़मीनी जुड़ा, उसका मुझे फल भी मिला और मुझे मौका भी दिया, सेवा का अवसर भी दिया, और मैंने सबकी सेवा भी की है। आपको पिछले 10 साल में पार्टी ने मौका नहीं दिया, अब आपको उम्मीद है कि पार्टी आपको फिर मौका देगी? मुझे मेरे कार्य को देखते हुए, जिस तरह मैं पब्लिक के बीच में रहता हूँ, जुड़ाव है उसको देखते हुए मुझे मौका ही नहीं, विश्वास भी है कि पार्टी मुझे ये आपके अवसर जरूर देगी। पिछले 10 साल से जो मुझे अवसर नहीं मिला, वो अवसर इसलिए नहीं मिला क्योंकि सीट मेरे प्रतिकूल नहीं थी, कभी OBC सीट आ गई। आप किसी और वार्ड से भी तो लड़ सकते हैं, आप कर्मठ आदमी हैं, है ना, आपकी कार्यशैली बड़ी प्रशंसनीय रही है लोगों के बीच में, आप किसी और वार्ड में भी बैठ खड़े हो जाते तो जीत जाते। सर तो मेरा जीतना ही या पार्षद बनना ही ध्येय नहीं था, मेरा ध्येय था कि मेरे क्षेत्र की पब्लिक के बीच में मैं रहूं और वहां की सेवाएं करूं जिनको मैं जानता हूं। आज मैं दूसरे वार्ड में जाने के बाद में आपको नहीं पहचानता, तो मेरा व्यक्तिगत आपसे जुड़ाव नहीं। देखिए कितनी अच्छी बात कही है राठी जी ने, देखिए ये फ़र्क होता है वाकई ज़मीनी लोगों में और बाकी लोगों में। राठी जी ने क्या कहा कि मेरा पार्षद बनना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि मैं वापस पार्षद बनता, मगर मुझे ही पार्षद बनना होता तो मैं दूसरे वार्ड कहीं से भी चुनाव लड़ लेता और बन जाता। लेकिन ध्येय इनका ये था कि जिस क्षेत्र में ये रह रहे हैं, जिन लोगों को जानते हैं, उनके भले के लिए काम करें। तो ये नियत और ये मतलब जो टेम्परमेंट और ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये बहुत कम लोगों का देखने के लिए मिलता है। तो मैं हमेशा जो चीज़ कहता हूँ राजनीतिक दलों से, जो अपील करता हूँ कि ऐसे कमिटेड लोगों को मौका लगातार देते रहें ताकि लोगों को थोड़ा कंफर्ट फील हो। अल्टीमेटली हम अगर किसी जनप्रतिनिधि को चुनते हैं या हम जनप्रतिनिधि का चुनाव किसी के सामने रखते हैं, जनता के सामने, तो ऐसे लोगों की ऑप्शंस रखी जाएं जो वाकई अपने आप से ऊपर उठकर काम करने की सोच और क्षमता रखते हो। आप मुझे एक चीज़ और बस फाइनली समाप्त करेंगे राठी जी, आप मुझे एक चीज़ और ये बताएं कि अगर पार्टी ने आपको मौका दिया तो आप चुनाव लड़ेंगे? सपोज़ आपकी आयु 55-56 हो रही है, है ना, वैसे ईश्वर करे आपकी लंबी आयु हो, है ना, लेकिन इस पड़ाव में मतलब सीनियरिटी में आने के बाद अक्सर लोग ये सोच लेते हैं भाई अब कब चुनाव है, अगर पार्टी मौका नहीं देती है तो भी आप अपने लोगों के लिए मैदान में उतरेंगे? यह सारा डिपेंड लोगों के ऊपर निर्भर करता है। हाँ मतलब लोग चाहेंगे कि लोग अशोक राठी हमारा फिर प्रतिनिधित्व करें, लोगों के चाहने और आपकी सेवाओं और सुविधाओं का लाभ लोग उठाना चाहेंगे और कहेंगे कि राठी जी आप तो लड़ लो। सर्वप्रथम तो यह प्रश्न ही नहीं उठता कि मुझे पार्टी मौका नहीं देगी, सर्वप्रथम तो प्रश्न ही नहीं उठता किसी भी एंगल से 1% भी कि मुझे मौका नहीं देगी, क्योंकि मैं हर क्षेत्र में पार्टी के साथ खड़ा रहता हूँ। कोई भी आज भी निजी धरना हो कुछ भी हो, पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे मुझे सूचना हो चाहे नहीं हो, चाहे पेपर के माध्यम से मुझे सूचना मिली हो चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे सूचना मिलती हो, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। तो एक यह भी एक फ़र्क पड़ता है कि मैं पार्टिसिपेट करता हूँ पार्टी के लिए तो पार्टी भी मेरा ध्यान रखेगी, मुझे विश्वास है, और किंतु कुछ भी नहीं है, मुझे पार्टी अवसर देगी और मैं अवश्य पार्टी के उसमें बढ़िया निकलूँगा उसके, और मैं सेवा करूँगा। मैंने लॉकडाउन के पीरियड में भी वार्डवासियों की बिल्कुल सेवा करी है, मेरी वैन के अंदर अन्नपूर्णा से मैं 15 दिन तक खाना मंगवाया मैंने, मेरे मित्र एक और साथ में थे उनके साथ में मिलके, सुनील तोशनीवाल, मैं उनका भी जिक्र करना चाहूँगा, उनके साथ मिलके मैंने खाना बनवाया, और डेली मेरी वो गाड़ी आती थी, मैं मेरी वैन के अंदर पूरी कच्ची बस्तियों में
हिम्मत नगर, इंदिरा कॉलोनी, कैलाशपुरी, विकासपुरी, कृष्णगंज के अंदर, और लोगों को टाइम टेबल मालूम था कि ये इतनी बजे खाना लेके आएंगे, और मैं खुद अपने हाथों से बांटता था पूरे उसके अंदर लॉकडाउन के अंदर। प्लस कच्चा सामान भी किट मैंने कहीं से उपलब्ध करवाए, मेरी तरफ से जितनी गुंजाइश थी मैंने भी दिए और लोगों को मैंने करवाए। मैं वैश्य समाज की तरफ से भी मैंने काफ़ी वैश्य समाज के प्रतिनिधियों को जो गरीब तबके के थे उनकी जानकारी लेके उनको भी पूरे शहर के अंदर जहाँ जहाँ निवास करते थे, माहेश्वरी समाज के लोग भी, माहेश्वरी समाज से भी मैंने उनको कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाई। कहने का तात्पर्य ये है कि मैं हर आदमी के सुख दुख दर्द के अंदर काम आता रहा हूँ, तो उनका भी मुझे आशीर्वाद और वृद्ध हस्त मिलता आया है और मिलेगा। मैं उन्हीं की ताकत से आज खड़ा हूँ और मुझे पार्टी शीर्ष, पार्टी नेतृत्व मुझे यह अवसर जरूर देगा, और मैं इस अवसर को मिलने के बाद में जरूर मैं वार्डवासियों की सेवा करूँगा, वैसे भी कर रहा हूँ और वैसे भी करूँगा। तो ये थे श्री अशोक राठी। अशोक राठी की को आपने सुना, आपने उनकी कार्यशैली पहले भी लोगों ने देखी है। हम चाहेंगे राठी जी कि आपको एक बार फिर मौका मिले और आप नगर निगम लोगों की सेवा करने पहुँचें, फिर किसी दावेदार के साथ, फिर किसी वार्ड में, फिर आपसे मुखातिब होंगे बहुत जल्दी। एक सेकंड, एक बात और बताइए, बोलिए। हमारे वार्ड के अंदर एक समस्या बहुत ही, मतलब कहिए बहुत खराब है दशा, बंदरों की समस्या, उससे वार्डवासी काफ़ी परेशान है पिछले 5 सालों से। और मेरी सर्वप्रथम इच्छा ये रहेगी कि कैसे भी हो इन बंदरों से मैं निजात दिलाऊं, वह जो क्षतिग्रस्त रोड़े आज भी पड़ी है 5 साल के कार्यकाल में जो नहीं हो पाई। मैंने कोशिश करी, इस 5 साल का कार्यकाल मेरा नहीं था, फिर भी एडीए से, एडा जी से करके, और ये मैंने कार्य किया। देवनानी जी को भी मैंने समय समय पर कहा, उन्होंने भी अपने फंड से अपना कोटे से रिलीज किया और काफ़ी कार्य हमारे वार्ड के अंदर हुए, लेकिन फिर भी कुछ रोड़े आज भी पेंडिंग पड़ी है। जैसे कृष्णगंज का माली मोहल्ला, ऊपर इंदिरा कॉलोनी के अंदर कई नाले, और इस तरह की कई समस्याएं आज भी पेंडिंग है। तो मैं चाहूँगा कि उस सभी को प्रायोरिटी पे लेके बंदरों से, सबसे पहले बंदरों से निजात दिलाना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। आवारा पशुओं को पकड़ने के ठेके में ये बंदरों वाला जो सेगमेंट है, ये आप सही कह रहे हैं, ये सेगमेंट आता नहीं है। ये हाँ। लोग, मतलब मैं आपको बता दूं, ये समस्या लगभग शहर के आउटर पेरिफेरी के हर वार्ड में है। यहाँ पंचील में 76-77 इस तरफ भी ये समस्या है, लेकिन जब भी निगम को कॉल किया जाता है तो वो आवारा पशुओं को पकड़ने के ठेके में शामिल होता है। लेकिन वो लोग, विशेष तौर पर सुअर और बंदर पकड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं की जाती है। सुअर तो हमारे वार्ड में नहीं है, मुक्त है बिल्कुल, लेकिन यह जो समस्या है बंदरों की, मैं पूरी कोशिश करूंगा किसी भी तरह, कैसे भी, अगर ये ठेका हो या वार्ड पार्षदों को जो बजट मिलता है उस बजट के माध्यम से ठेका हो, टेंडर प्रणाली हो, जो भी हो प्रणाली, लेकिन इससे मैं निजात दिल, सर्वप्रथम मेरा प्रयास यही रहेगा कि बंदरों से मैं निजात दिलाऊं। धन्यवाद। फिर किसी वार्ड में, फिर किसी नए दावेदार और नए विजन के साथ मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।